बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जायका फूड चैनल। नाज़रीन, आज हमारी रेसिपी है बीफ टिक्का बोटी, जिसके लिए हमने लिया है 2 किलो गोश्त। इसको अच्छी तरह से धो के इसके इस तरह पीस बना लें। 2 to 3 टेबल स्पून हमने लेमन जूस ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 पैकेट हमने टिक्का मसाला का ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ ब्राउन किया हुआ गर्म मसाला ले लिया है। 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है। 1 टीस्पून हमने अजवाइन ले ली है। 1 टेबल स्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा ब्राउन किया हुआ पिसा हुआ ले लिया है। सबसे पहले अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। बाकी के तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड कर देंगे। उसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम 1 प्याली इसमें दही ऐड करेंगे। एक टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। फोर टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। 2 से 4 इसे हम 2 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख देंगे। बीफ टिक्का बोटी को हमने एक जगह मैरिनेट कर लिया था। 2 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब इनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। 6 हमने सीपों पे लगा दिए और बाकी ये है, इसको हम डेगची में पकाएंगे। इसको हम तवे पे पकाएंगे। फ्राई पैन अगर आपके पास है तो उस पर बनाने सीखे, बाद में कोयले का स्मोक दे देंगे। तवे पे हमने ऑयल डाल के गर्म किया हुआ है। अब हम सीखों को इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे कि तवे और सीख के अंदर गैप रहे, और लो फ्लेम पे इसको जब तक ये फ्राई नहीं हो जाए यानी ब्राउन कलर नहीं आ जाएगा तो तब हम उतारेंगे। ब्रश या स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा आयल बोटियों पर हम लगाते जाएंगे और इसके साइड चेंज करते जाएंगे। सीखों बीफ टिक्का बोटी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम सीखों को भी स्मोक दे देंगे और इसको कवर कर देंगे। स्टोव हमने ऑन कर दिया है। फ्लेम हमारी मीडियम है।
अब आगे टिक्का बोटी हम देखते हैं पकाने। अब हमने इसमें पानी नहीं डाला है, लो फ्लेम पे ये पकेंगे। शुरू में आप मीडियम फ्लेम रखें, जब इसमें थोड़ा दही का पानी जमा हो जाए तो फिर हम लो फ्लेम कर देंगे। इसी में ये गलेगा, दही के पानी में एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे और इसको अच्छी तरह गलने देंगे। दही ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया था और दही के पानी में ये गैस कर चुका है। अब ये धुलने पे आ रहा है, हल्का सा पानी रह गया है, इधर हल्का सा पानी रह गया है, फिर हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। देखिए वाली भी हमारी बीफ टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर दें। कोयला हमने देखा लिया है, कोयले को अब हमने छोटी सी कटोरी में ये देगचे के अंदर रख दिया। अब थोड़ा सा हम एक दो कतरे इस पे ऑयल टपकाएंगे। और इसको कवर कर देंगे ताकि इसका स्मोक ये डीप बोटी में आ जाए। इसमें कोयले का स्मोक आ गया बीफ टिक्का बोटी में। अब ये हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। अब हमें थोड़ा सा ऑयल लिया 1 टेबल स्पून। अब ये जो बची हुई हमारी वेजिटेबल थी उसको हम इसमें फ्राई करेंगे ऑयल में। अभी हमारी वेजिटेबल रेडी हो गई है, जितना हमें फ्राई करना था उतनी हो गई। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी बीफ टिक्का बोटी रेडी हो गई है, आपके सामने है। इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें खुश और आबाद रखे, नेक मकसद और नेक इरादों में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।